सबसे पहले उधमपुर का रुख करते हैं। सुमित, सबसे पहले ये बताइएगा, उधमपुर के अंदर किस तरह की इस वक्त तैयारियां हैं? पहली ट्रेन जो कि आज 11 बजे बेंगलुरु कर्नाटक से निकलेगी और कल उधमपुर पहुंचेगी, वहां पर प्रिपरेशन किस तरीके की है एडमिनिस्ट्रेशन की, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? बिल्कुल, जिस तरह से एक और प्रयास और एक और बड़ी पहल प्रशासन द्वारा की जा रही है, अधिकारियों द्वारा यहाँ पे की जा रही है, जिस तरह से जी पहले टिकरी को एक मेन पड़ाव बनाया गया था, जिस तरह से बाहरी राज्य से जो सड़क ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लोगों को लाया जा रहा था, जिसमें श्रमिक, छात्र और व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो शामिल थे, अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों में जो जम्मू कश्मीर के लोग फंसे हैं उन्हें रेल यात्रा यानी कि जो पहली ट्रेन लॉकडाउन के चलते चलाई जा रही है, जिसे श्रम एक्सप्रेस का नाम दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं जो बाहरी राज्यों में फंसे हैं उन्हें अपने अपने घरों तक वापसी सुरक्षित पहुंचाने की कवायद कर दी गई है। माना यह जा रहा है कल उधमपुर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मैं सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, रोहित कंसल, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट मनोज कुमार द्विवेदी, डिवकॉम जम्मू, खुद उनके सामने उन निरीक्षण किया गया, पूरे रेलवे स्टेशन का जायजा लिया गया और मॉक ड्रिल का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें एक ट्रेन को बुलाया जाता है, जिस तरह से बाहरी राज्यों में जो श्रमिक हैं, जो लोग हैं, उन्हें पूर्णता से किस तरह यहाँ पे सुरक्षित लाया जाएगा, उसके बाद किस तरह से कड़ी प्रणाली से उन्हें गुजरना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाएगी उधमपुर रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद उनके अगर कोई सस्पेक्ट पाया जाता है थर्मल स्क्रीनिंग में, उसकी सैंपलिंग भी यहाँ पे हासिल कर दी जाएगी, जिसके बाद सैंपलिंग होने के बाद या थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद उधमपुर में उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर एसआरटीसी की बसेस को यहाँ पे पूरा तैनात किया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की यहाँ तैनाती गई है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, उसके साथ साथ उन्हें सड़क मार्ग से, सड़क वाहनों से अपनी अपनी जो जिले हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। तो क्या और माना आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाने से पहले सुमित जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है या फिर यहाँ पर सैंपलिंग होगी वो यहीं पर होगी रेलवे स्टेशन के अंदर, इस जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वहीं पर होनी है, या फिर अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचकर वहां पे सीधा उनको रवाना कर दिया जाएगा जहां पर पूरी उनकी मेडिकल जांच होगी? जी बिल्कुल, पहले यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जाएगी, अगर कुछ सस्पेक्ट पाया जाता है, जिस तरह से कुछ संदेह पाया जाता है, तो उन लोगों की सैंपलिंग भी यहाँ करने की पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 12 जो टीम्स हैं उन्हें यहाँ तैनात किया गया है, बूथ्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं जिनमें उन लोगों की सैंपलिंग भी यहाँ करने की व्यवस्था की जा रही है, और माना यह भी जा रहा है फिर जब यहाँ से उन्हें अपने अपने जिलों की ओर भेजा जाएगा तो वहां पे पहले 15 दिन का उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होगा, उसके बाद 15 ही दिनों का और जो होम क्वारंटाइन पीरियड करके उन्हें पूरा करना होगा। प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से सतर्क है। मैं आपको बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने हमारे सवाल पर हिंदुस्तान न्यूज ने जब उनसे ये सवाल किया कि सर जिस तरह से ये संक्रमण जो है इसके केसेस अधिक वैली में बढ़ रहे हैं तो क्या हम लोगों को तैयार रहना है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम ने ये कहा कि अभी आने वाले 7 महीनों तक ये चलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी तमाम जानकारी देने के लिए। उधमपुर से तैयारियां बड़े पैमाने पर वहां पर भी है और इस सिलसिले में इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान वहां भी पहुंचकर जायजा मुसलसल ले रहे हैं।